Hello everyone, today we will solve from question number 12 of exercise 15D, class 7th RS Agrawal Math. इससे पहले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now question 12 is, two poles 18 meter and 13 meter height, यानी कि हाइट दे रखी है एक 18 मीटर्स और सेकंड 13 मीटर्स, स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के फीट एक दूसरे से 12 मीटर दूरी पर हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। दो पोल हैं, एक पोल ये रहा और दूसरा पोल यहां है, और इनके फीट की डिस्टेंस ही दे रखी है। आप एक छोटा एक बड़ा कहीं भी बना सकते हैं, बड़ा पोल इधर बना लो, छोटा इधर, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको नाम दे देते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। मान लो एक पोल ए बी है, दूसरा पोल सी डी है, जिनके फीट बी और डी हैं, और इनकी डिस्टेंस कितनी हो गई, बी डी। ओके, यहां तक क्लियर, ये सब लिखेंगे। अब एक पोल की 18 मीटर हाइट है, एक की 13, तो 18 जाहिर सी बात है बड़ा, तो 18 को हम शो करेंगे, तो ये 18 मीटर क्योंकि बड़ा है और ये 13 मीटर। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट या अपार्ट जिसे बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी, इट इज गिवेन 12 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो पोल ए बी का टॉप ए है, इसका सी है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ए सी। तो हाउ विल यू फाइंड, तो सबसे पहले तो जो जो हमने माना है वो लिखते हैं। तो लिखते हैं लेट ए बी एंड सी डी, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, एंड सी डी आर पोल्स, थोड़ा बहुत लिखना चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट वी बी डी, एंड डिस्टेंस between their feet h bd, और इनके टॉप क्या है लिखना चाह सकते हो, वो जरूरत नहीं है, a और c टॉप है, तो मैं फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन their टॉप इज ac, इतना ले सकते हो, एंड द डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ये लिख देते हैं ना, बिटवीन their टॉप्स h ac, तो हमें ac फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, क्या करें, a से dc पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, a b c d, इसको नाम दे दिया e। ओके, तो ये आपको लिखना होगा, लिख दोगे फ्रॉम a, क्या लिखेंगे, फ्रॉम a ड्रॉ, ये क्या a परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हम ऐसे लिखते हैं a e, और एक तरह से आप इसे उल्टा टी कह सकते हो, ये परपेंडिकुलर सिंबल था, परपेंडिकुलर टू जिस पर है वो सामने लिखते हैं, हमने किस पर ड्रॉ करा है, सी डी या डी सी आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं सी डी, परपेंडिकुलर से मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब पोल हमेशा, हमने पहले वीडियो बता चुके हैं, पोल हो, बिल्डिंग हो, वॉल हो, ट्री हो, प्ले ग्राउंड, ग्राउंड के साथ या अर्थ के साथ, हमेशा कैसा एंगल होता है उनका, 90 डिग्री। भले ही आपने बहुत सारे पोल झुके हुए देखे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग झुकी देख ली होंगी, जो बिल्डिंग तो नहीं होती ज़्यादा, लेकिन पोल मिल जाते हैं ना, ट्री भी मिल जाते हैं, लेकिन मैथ्स में हमेशा 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, और ये हमने 90 डिग्री, तो कहने का मतलब ए बी डी ई क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, होगा ना रेक्टेंगल। तो इसमें क्या, हमें ए सी निकालना, तो ए सी कैसे निकालेंगे, देखो जो मैं शेडेड कर दूँ, ये अगर इस ट्राइंगल मैं ये मालूम हो और ये मालूम हो, तो ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो किसी भी तरह हम सी ई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसी भी तरह, और किसी भी तरह ये फाइंड आ जाए ए ई। तो देखो ए ई तो इक्वल टू बी डी होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो फोर्थ ऑटोमेटिक 90 होगा, जिस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 डिग्री हो, रेक्टेंगल होता है। आपका वो सर स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। अब ये स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 12 है और ये 13 है, साइड्स इक्वल नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ से क्लियर हो गए। ओके, तो लिखोगे ए ई इज इक्वल टू बी डी, ए तो यहाँ निकलाई, तो लिख दो
कि ए इज इक्वल बी डी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अपोजिट को ओ डबल पी लिख सकते हो शॉर्ट में, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। तो ए ई की वैल्यू फाइंड हो गई, तो ए ई आ जा गया 12 मीटर। अब हमें किस तरह सी ई और फाइंड करनी है, तो सी ई फाइंड हो सकती है, देखो सी डी कितनी दे रखी है 18 और ए बी कितनी रखी है 13, जितनी ए बी है उतनी ई डी होगी, वही अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ई डी निकाल लो, ई डी इक्वल टू ए बी लिख लेते हैं, तो ई डी इज इक्वल ए बी कॉस वही है, मैं डॉट डॉट कर देना, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऊपर से वाला जो है ना। तो ई डी की वैल्यू भी फाइंड होगी हमें, ई डी इज इक्वल 13 मीटर। अब जरा फिगर देखें, सी ई किसके इक्वल है, सी ई किसके इक्वल है, पूरी लाइन सेगमेंट जो सी डी है इसमें से अगर हम डी को सबट्रैक्ट कर दें तो सी ई तो बचेगा, तो लिखेंगे सी ई इज इक्वल सी डी माइनस ई डी, ओके लिख दो, सी ई इज इक्वल सी डी माइनस ई डी। सी डी हमें पूरी दे रखी थी 18 सेंटीमीटर, पिलर है बड़ा वाला, पोल्स था पिलर जो भी था, और ई डी कितनी है, ई डी हमने ये निकाली ED इक्वल टू 13, तो 18 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मीटर। तो बस अब तो सवाल हो गया कि ये 12 है ये 5 है, एसी निकाल लेंगे 13 आ जाएगी, क्योंकि 5 12 का हाइपोटेन्यूस 13 होता है। चलो निकालेंगे, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ACE, लिखते हैं इन ट्राइंगल ACE एंगल सी ई ए इज 90 डिग्री है ना, ये रहा, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर डाला था सी ई ए, या इसको ए ई सी भी ले सकते थे, जब ये 90 है तो 90 के सामने की साइड्स का स्क्वायर इक्वल होता है अदर्स या रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, वही हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। सी ई की वैल्यू ये रही, देखो सी ई 5, 5 का स्क्वायर प्लस ए ई कितना था, ए 12 था प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको ऐड करा तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो AC आ गया 13। AC क्या है देखें जरा फिगर में, A इस पोल का टॉप, ये इस पोल का टॉप, तो क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये तो पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो बस लिख दो आंसर हो गया डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल 13 मीटर। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया, एंड देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल, अपनी इनिशियल पोजीशन से अब वो कितनी दूरी पर है। तो देखो डायरेक्शन वाले सवाल के लिए एक तरीका होता है, आप डायरेक्शन शो कर लो पहले, है ना, इस तरह से ये मानी जाती है इनिशियल, ये तो आपको पता है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हो गई साउथ। तो यहां इसको ओ नाम दे दिया, मान लो यहां से स्टार्ट करना शुरू करता है, अब सवाल पढ़ते हैं, जैसे ऐसा कहेगा उस हिसाब से उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्वेश्चन में देखता अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, यहां था तो वेस्ट का यहां है, तो हमने चलते चलते माना वेस्ट में गया और यहां तक आ गया 35, और फिर कितना है 12, ओके 35 में आ गया, मान लो पॉइंट ए इस डायरेक्शन चला, ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 35 मीटर, हमने मान ली, यहां तक क्लियर। फिर आप सुनिए आगे, एंड देन, और ये सॉरी मीटर मीटर नहीं है, 14 14 दोनों सेम है, हाँ मीटर ही है, एंड देन
12 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ का ऊपर, अब 12 मीटर नॉर्थ गया तो यहां आ गया, ये 35 है इसलिए मैंने इतना बनाया, और ये मान लो बी तक आ गया 12 मीटर नॉर्थ। ये डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। ट्रेन की 90 डिग्री पर गया और ये कितना गया 12 मीटर, क्लियर। अब पूछा क्या था, इसमें निकाल दो, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टेट पॉइंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यही तो है, ये डिस्टेंस हुई इसकी स्टार्टिंग पॉइंट। ओहो हिल गया, इसको मेरे पेपर घुमा के आदत है लिखने, ये है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप सही कर लेना, कोई लाइन नहीं है। तो यानी कि हमें बी ओ फाइंड करना है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैन कहाँ से गया, जीरो टू सॉरी ओ टू ए तक वेस्ट डायरेक्शन में, आफ्टर डैट ए टू वी नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है, अब इसकी जो डिस्टेंस है या फार माने डिस्टेंस है कितनी दूरी पर है ना, फार का मतलब दूरी पर, तो हाउ फार वो कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ तक है तो वो भी निकालना है, ये क्या होगा 90 डिग्री, बस समझ में आ रही है। तो क्या हुआ, इन ट्राइंगल हमें लैंग्वेज लिख पा था तो लिख दो, लेट ओ इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मैन, लैंग्वेज लिखना सीखो, लेट ओ इज द इनिशियल या स्टार्टिंग, एक ही बात है आपको जो चाहे वो लिख सकते हो, इनिशियल पोजिशन स्पेस रह गया ऑफ मैन, हमने मान ली ओ जो है इनिशियल पोजीशन है मैन की, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, कहां से ओ से। अब छोटा छोटा लिख दो कि लेट ही कवर ओ ए, लेट ही कवर ओ ए कितना दिया रखा है 35 मीटर, क्लियर। हमने मान लिया उसने ओ ए पर 35 मीटर कवर करा, उसके बाद किस डायरेक्शन में क्या गया है, और ड्यू टू लिख सकते हो किस डायरेक्शन में, बेस्ट लिखना भूल गया, एंड और कहाँ कवर करा, ए ओ किस डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में इतने मीटर है ना, एंड ड्यू नॉर्थ ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर, बस इतनी लंबी स्पॉट है। तो अब फाइनल पोजीशन पूछी है इसकी, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन क्या होगी, ओ ए इतना ले सकते हो, हिज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इसकी इक्वल है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसकी, और लास्ट पोजीशन ओ बी, तो कितना है ओ बी, तो ये होगी ओ बी, तो हमें ओ बी निकालना है। तो अब लिख लो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी ए ओ ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ए ओ बी लिख देता हूं मैं, चलो ए ओ बी देखना अच्छा लग रहा है ओके कुछ भी लिख सकते हो, तो वही 90 डिग्री है, तो सामने क्या होगा हाइपोटेनियस, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, तो हो गया ओ बी या बी ओ कुछ भी होते हैं, यहाँ ओ बी लिखा तो ओ बी मान लेते हैं हम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे कुछ नहीं आप कुछ भी लिख लो वो एक ही बात है, प्लस ए बी स्क्वायर, ए ओ हमें दे रखा है कितना 35 मीटर, तो 35 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 12 का होता है 144, स्क्वायर आपको 50 तक के याद होना चाहिए, 5 4 9, 2 4 6, 2 1 3, 1 3 6 9, तो ओ बी इक्वल अंडर रूट 1369, और ये 37 का स्क्वायर होता है, 37 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के स्क्वायर अगर आप फैक्टर कर दो फैक्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए है ना क्या होना चाहिए आपको 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ओ बी इक्वल टू हो गया 37 मीटर। तो यानी कि जो मैन है कितनी दूरी पे इनिशियल पॉइंट से 37 मीटर, तो लिख दोगे हैंस द मैन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है 37 मीटर फ्रॉम
हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी इसी टाइप का है, सुनिए आप ध्यान से। क्वेश्चन 14 ये, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो पहले तो मैं डायरेक्शन वाला आपके लिए वो बना देता हूं, ये क्या होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन। अब सुनो इनिशियल पोजीशन हमसे ही मानी जाती है इसमें, है ना, जहां चारों डायरेक्शन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पॉइंट मान लिया, ओ इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ मैन। गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ गया हमने मान ली, नॉर्थ पर यहां आ गया ए पर, और ये कितना दे रखा है 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या है एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट का यहां, तो इसके बाद यहां से यहां तक आ गया ये 4 किलोमीटर, ये मान ली पोजिशन भी। ओके हमने बताया तो जब भी जाएगा एक डायरेक्शन दूसरे ना 90 डिग्री में, तो 4 किलोमीटर हो गए ईस्ट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस ही पूछी होगी, है ना। तो ये पूछा हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, वो इनिशियल पोजिशन से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर ये। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी देखे हैं, तो 90 डिग्री, तो ओ बी जैसे ऊपर वाला सवाल करा था सेम वैसी है, तो इसको मैं अलग पेज पर लेता हूँ और सवाल को सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा अलग पेज पर, हाँ जिससे कि आपको फिगर दिखाता रहूँगा, नहीं दिक्कत होती है। तो लैंग्वेज छोड़ दूँ उसमें, लिख लोगे, लिख दूँ, चलो लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। जो ऊपर लिखी थी लेट, चलो फिगर दे रही है ना, लेट ओ इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ मैन, चलो लिखता हूँ मैं लेट ओ, सॉरी दिख नहीं रहा, लेट ओ इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ मैन, हमने मान ली मैन की इनिशियल पोजिशन ओ थी। ओके अब ओ से वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो लेट लिखते हैं, लेट ही कवर ओ ए इज इक्वल 3 किलोमीटर, कहां पर नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ है ना, एंड देन उसके बाद कहां गया नॉर्थ के बाद ईस्ट, कितना ए बी इक्वल टू 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, एंड देन ए बी इज इक्वल 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट डायरेक्शन, बस इतना बहुत है। तो हिज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज कितनी होगी, ओ भी दिखाता हूं अभी फिगर आपको दिखा के, देखो ओहो कैसे ये रहा है ना, यहां से स्टार्ट करा पहले नॉर्थ की तरफ फिर ईस्ट की तरफ, तो फाइनल पोजिशन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल क्या है ओ भी, ये 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए 90 डिग्री, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखूंगा मैं है ना, इन ट्राइंगल ए ओ बी लिखते हैं चलो। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी लिखना चाहो लिख सकते हो कि एंगल ए इज 90 डिग्री, सो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें, ए बी हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू कितना 4 और वो 3 5, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 भाई किसका स्क्वायर होता है अच्छे से पता है सबको है ना, वेरी गुड सबने सही बताया है 5, तो ओ बी इज कल 5, ये सब किलोमीटर में था तो किलोमीटर में आंसर आएगा, तो आंसर लिख दो। क्या क्या पूछा है कि हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो लिख दोगे ही इज 5 किलोमीटर
अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो वो आदमी जो था अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने किलोमीटर दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी पर। तो ये आज हमने 12, 13, 14 क्वेश्चन कंप्लीट करें, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 15 to 18 ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट मैं जब भी अपलोड करूँगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आजकल स्कूल बंद, कोचिंग सब बंद है और मैथ्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको जरूर दूर करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।